को जोर से बोलना है, भारत माता की। अरे इतना आवाज कैसे चलेगा, भारत माता की। वंदे वंदे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 पर अपने बीच उपस्थित भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री धनखड़ साहब, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय आयुष विभाग के मंत्री श्री सर्वानंद जी, फगन कुलस्ते जी, महेंद्र भाई मुंजपुरा, प्रहलाद पटेल जी, राज्य के मंत्री राम किशोर कावरे जी, सांसद श्री वी डी शर्मा जी, मान्य राकेश सिंह जी, सांसद सुमित्रा वाल्मीकि जी, रामकिशन मिशन के अध्यक्ष मुरब्बी कमलेश भाई पटेल जी, आप सभी उपस्थित महानुभाव भाई और बहनों, पत्रकार मित्रों, और आप सभी का मैं दिल की गहराई से आप सबका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान योग दिवस के विचार का प्रस्ताव रखा था। संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका सहित यह बताया गया कि 180 से अधिक देशों में आज योगा का कार्यक्रम चल रहा है। योग की सार्वभौमिक मान्यता और बढ़ती लोकप्रियता के साथ संयुक्त राष्ट्र के 11 दिसंबर 2014 को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प शक्ति और भारत को जगत गुरु बनाने की प्रयासों की सफलता है। वैश्विक स्वास्थ्य की दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ का सकारात्मक कदम है, जो मानवता के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक मूल्यवान उपकरण के रूप में योगा संस्कृति का प्रमाण है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जन स्वास्थ्य का वो वैश्विक आंदोलन है, जो योग रूपी हमारी बहुमूल्य विरासत को दुनिया द्वारा अपनाए जाने का उत्सव है। योग के लाभों का जश्न मनाने का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किसी धर्म संप्रदाय विशेष के लिए नहीं, मानवता के कल्याण के लिए है, क्योंकि योग सिद्धांतों पर आधारित प्रयोग और अनुभव से विकसित है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि योग से कर्म में कुशलता आती है। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है, जो हमारे आत्मा को भी निर्मल बनाता है। योगाभ्यास स्वास्थ्य के योगिक सिद्धांत वेलनेस को मजबूत कर तनाव का बेहतर तरीके से प्रबंध करने में व्यक्ति को सक्षम बनाकर योग प्रतिरोधक क्षमता, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार द्वारा बीमारियों के खिलाफ एक निवारक उपाय के रूप में काम करता है। हमने देखा है कि सदी की घातक महामारी कोविड से उबरने की कोशिशों में भी योग अत्यंत उपयोगी साबित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मान्यता दिए जाने के बाद और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने कोई जानकारी से योग की उपयोगिता को दुनिया भर में नई पहचान मिली है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ,
कि वर्तमान दौर चुनौतियों का है, आपके सामने भविष्य की चुनौतियां है, करियर का चयन है, इसके लिए आपको मानसिक शारीरिक और वैचारिक दृष्टि से सुदृढ़ होना भी आवश्यक है। योगा के साथ अपना खोराक भी सात्विक होना चाहिए। बहुत तैली पदार्थ मत खाओ, बहुत तीखा मत खाओ। आज के बच्चे तो बच्चे में क्रेज है, जहां भी होटल में जाओ तो पिज्जा खाते हैं और साथ में थम्सअप की बोतल भी रखनी पड़ती है, क्योंकि पचाने में बहुत तकलीफ रहती है। इसलिए मैं कहता हूँ योगा के साथ सात्विक खुराक भी आवश्यक है, तो ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके मन और विचारों की एकाग्रता और कैरियर चयन में योगाभ्यास बहुत कारगर सिद्ध हो सकेगा। योग नियमित अभ्यास पर आप देखेंगे कि दुनिया को देखने सोचने का अपना नजरिया बदलेगा। यह बदलाव सकारात्मक होगा, इसकी गारंटी तो योग देता है। मैं समझता हूं कि आज सारी जभी दुनिया में योगाभ्यास हो रहा है और जीवन में 63 दिन अपने योगा करें और तंदुरुस्त रहे, इसी अपेक्षा के साथ मैं मेरी और उपराष्ट्रपति का बार बार मैं आभार और स्वागत करके मेरी बात पूरी करता हूं। आभार, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश श्री मंगू भाई पटेल जी। भारतवासियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुरातन भारत का उपहार विश्व को प्रदान किया योग के रूप में। आज भारत माता का मस्तक गर्व के मुकुट से जगमगा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जीवन ही उनका संदेश है। वे योग के साधक हैं, विश्व बंधुत्व के अनुरागी हैं। वे 135 करोड़ भारतवासियों का अटूट विश्वास हैं। आइए सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश। नमस्कार,